इंदौर नगर निगम द्वारा शहर की स्वच्छता के लिए अमानक पॉलिथीन के कारोबारियों और उनके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज रामानंद नगर और नंदन नगर में निगम दल ने कार्रवाई की और बड़ी मात्रा में अमानक पॉलिथीन बरामद की। निगम दल मौके पर पहुंचा तो दोनों स्थानों पर कई गोडाउन में लाखों रुपए की अमानक पॉलिथीन रखी हुई थी, जहाँ निगम अधिकारियों ने गोडाउन मालिक को बुलवा कर उक्त गोडाउन को खुलवाया और वहाँ से अमानक सामग्री बड़ी मात्रा में जब्त की है। संबंध में हमको जानकारी मिली, इनने वहीं आसपास ही मोहल्लों में जैसे रामानंद नगर नंदन नगर में तीन जगह किराए से लेकर रखी है और तीनों में हमने शंका के आधार पर परसों रात को छापा मारा था। मनोज जैन से मोबाइल पर बात हुई, उनके पुत्र आए थे, उन्होंने बोला था कि मैं तो बाहर हूँ और मैं अभी आऊँगा, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। दो दिन इंतजार करा, आज वो आए हैं, गोडाउन खुला के पॉलिथीन जब्ती कार्रवाई कर रहे हैं, स्पॉट फाइन करेंगे। ये नंदन नगर और रामानंद नगर दो जगह, उन्होंने तीन कमरे अलग अलग किराए से लेकर रखे थे जिसमें पॉलिथीन का जरूरत है। ये लगभग 100 से ऊपर कट्टे हैं, अभी गिनती चल रही है और 3 टन से अधिक माल। हाँ, स्पॉट फाइन की कार्रवाई होगी और मैक्सिमम फाइन रखी है। अनुमानित तो स्पॉट फाइन 1,00,000 रुपये तक है। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध में भी चर्चा करके उन्होंने माल का आकलन करके उनकी जानकारी दी। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।